डॉक्टर्स के तरफ से किया जा रहा है, जिसमें पहले बार डॉक्टर पेशेंट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग हमारी मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारी कोई मांग नहीं, हमारे पैसे बढ़ाओ या हमारे हॉस्पिटल साफ करो या हमें और कुछ सुविधाएं दिए। हम ये आंदोलन पेशेंट के लिए कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये आंदोलन डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि जो नागपुर में भयावह परिस्थिति निर्माण हुई है पिछले एक महीने के अंदर, जो सेकंड वेव कोरोना की आई है, उसके लिए जो जिला प्रशासन के तरफ से तैयारियां कम पड़ रही है, पेशेंट्स को बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, प्राइवेट हॉस्पिटल में रेमडेसिविर, ऐसी जो कमतरता आ रही है जिस वजह से मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है, उसलिए हम सब डॉक्टर हमारे पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट की मृत्यु हो रहे हैं और जो हम हतबल हो गए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो आखिरी में हमारे पास इस आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। क्या बता, हमारी डिमांड्स यही है कि पिछला एक साल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, एक साल के अंदर मेडिकल और मेयो नागपुर में हम देखें तो GMC नागपुर और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, ऐसे दो हॉस्पिटल के ऊपर नागपुर के इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जिम्मेदारी आई हुई है। आज GMC नागपुर 820 बेड ऑपरेट कर रहा है, 820 बेड पूरी तरीके से पूरी क्षमता से चला रहा है, और यहाँ पे हमारे सब रेसिडेंट डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं। फिर भी लोग आज अगर आप देखें तो आज भी मेडिसिन कैजुअलिटी के दरवाजे आज बंद करने पड़े, इतने एडमिशन्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जिला प्रशासन के पास मेडिकल और मेयो को छोड़ के क्या पर्याय है, ये हम पूछना चाहते हैं, और अगर पर्याय नहीं है तो पर्याय वो कब करने वाले हैं, इसका जवाब हम लोग चाहते हैं। मुझे बताइए मेडिकल में किस तरीके की कंडीशन है, आप लोगों को खासकर में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें होती है इतने पेशेंट्स का? देखिए डॉक्टर लोग अपनी सब दिक्कतें बाजू में रख के हम लोग पेशेंट्स के लिए सोच रहे हैं। आज भी अगर हम देखें, कितना भी काम कर ले, कितने भी पेशेंट्स हम ट्रांसफ़र कर ले, फिर भी हम पेशेंट्स को बेड नहीं दे पा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मदद कर